सियासी समाजी हर किस्म की जहन फिक्र रखने वाले लोगों ने इजहार गम में जनाब मरहूम सैयद सैफुद्दीन साहब वल मुनीरुद्दीन साहब के गम में यहाँ पे बराबर के शरीक रहे। चाहे तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया उस पर हम समीम कल्ब से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मज़ीद जो कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान हुआ है हो सकता है आने वाले दिनों में वो पूरा भी करें, और इस सिलसिले में हम अपनी तरफ से जमीयतुल्मा की तरफ से भी इंशाल्लाह कर्नाटक गवर्नमेंट से इंशाल्लाह बात भी करेंगे। मौलाना अभी यहाँ हमेलापुर की जामा मस्जिद में आपने एक कौमी एकता के लिए सभी लीडर्स को और सभी उलमाए दीन को बुलाकर शहीद सैफुद्दीन साहब को याद किया और उनकी याद में दुआ भी की, तो इस प्रोग्राम को बुलाने के बाद आप क्या महसूस कर रहे हैं? इधर में जो लीडर्स हैं वो सभी जुड़े आपके पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज बतारीख 6 अगस्त बरोज़ एतवार जहर की नमाज में हम लोग यहाँ पर सिटी जमीयतुल्मा बिदर के ज़ेर अहतमाम कुल जमाती ताज़ियती इजलास जो है मुनक़िद किए थे, और इस इजलास में दरअसल तमाम मकतब फ़िक्र के लोगों को मदु किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह हर मकतब फ़िक्र से लोगों ने इसमें शिरकत की है, और कौंसलर हजरात भी हैं, और इसी तरीके से सियासी समाजी हर किस्म की जहन फ़िक्र रखने वाले लोगों ने इजहार गम में जनाब मरहूम सैयद सैफुद्दीन साहब वल मुनीरुद्दीन साहब के गम में यहाँ पर बराबर के शरीक रहे, और इस सिलसिले में मरहूम के हक़ में यहाँ पर उनके बुलंदी दर्जात के लिए दुआ हुई, और मरहूम के हक़ में उनके वारिसिन के लिए सब्र जमील की भी दुआएं की गई। इस मुनासिबत से यहाँ पर मरहूम को याद करने और उनके लिए यहाँ पे जोड़ा गया था। जो हैदराबाद में AIMIM पार्टी जो है उन पार्टी की तरफ से सभी लीडर्स उनके आवाज़ उठाए, पर कर्नाटक स्टेट में कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ऐलान किया गया था कि 10 लाख दिया जाएगा, वो नहीं आए, तो आप हैदराबाद में जो MIM पार्टी की जानिब से किया गया उस काम को लेकर क्या कहेंगे? जिन्होंने भी इस सिलसिले में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, चाहे तेलंगाना गवर्नमेंट ने जो ऐलान किया और उन्होंने अपने वादे को पूरा किया उस पर हम समीम कल्ब से हम शुक्रिया अदा करते हैं, और मज़ीद जो कर्नाटक गवर्नमेंट की तरफ से जो ऐलान हुआ है हो सकता है आने वाले दिनों में वो पूरा भी करें, और इस सिलसिले में हम अपनी तरफ से जमीयतुल्मा की तरफ से भी इंशाल्लाह कर्नाटक गवर्नमेंट से इंशाल्लाह बात भी करेंगे, और जो कुछ भी हमसे हो सकता है हम आगे इंशाल्लाह इस सिलसिले में बात भी करेंगे। जी, अब्दुल मनान से जो कि ऐलान किए हैं 1.5 लाख की तरफ से बच्चों को दिए जाएंगे, और अगर यहाँ पर एजुकेशन अगर उनके बच्चे करेंगे, मरहूम शहीद सैफुद्दीन की जो बच्चे हैं 3, वो अगर यहाँ पर पढ़ाई करेंगे तो वो अपने शायर उसको पढ़ाई कराएँगे, तो ये फैसले पर आप क्या करेंगे? बहुत हम खुशाइंदी फैसला है, जिन्होंने भी इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं मरहूम और मरहूम के वरसा के हक़ में तावुन के सिलसिले में, इसका हम शुक्रिया अदा भी करते हैं, इनके हक़ में दुआ भी करते हैं, और इस्तेकामत के साथ ये लोग अपने वादों के ऊपर उतरे इसकी भी दुआएं करते हैं। जब ये हजरात अपनी तरफ से जो कुछ भी पेश कर रहे हैं मरहूम के हक़ में, अल्लाह इन तमाम पेश करने वालों को खिदमत करने वालों को बेइंतहा कबूल मंजूर फरमाए। तमाम यहाँ पर जो ये प्रोग्राम में जुड़े थे उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम शुक्रिया अदा करते हैं पहले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिलों में बात डाली कि इस तरीक़े की एक नशिस्त होनी चाहिए, मरहूम के जगह मरहूम का वो जगह जिस जगह से मरहूम का बेइंतहा ताल्लुक़ है उस मस्जिद की तामीर तरक्की, उसमें नमाज़ पढ़ना, मरहूम के औसाफ़ यहाँ पर मकामी हजरात मरहूम के हक़ में बता रहे हैं, उसी मुनासिबत से गोया कि यहाँ पर जुड़े थे, और माशाल्लाह महल्ले की मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी और महल्ले के हमीलापुर के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात थे उन्होंने बढ़ चढ़ के इस काम के लिए हिस्सा भी लिया, और बिलखसूस हमारे मौजूदीन शहर जो शहर से बिल्कुल यहाँ पर हमीलापुर में आए भी इस दावत को कबूल भी किया, और मरहूम के हक़ में पुरसा देने के लिए हर किसी ने अपनी नमदीदा आँखों से कुछ ना कुछ अल्फाज मरहूम के हक़ में मरहूम के वरसा के हक़ में कहे हैं, इन सब का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका नाम बोलिए। मैं मोहम्मद अयूब सलीम हुसामी, जमीयतुल्मा सिटी बिदर का मैं सदर हूं, और ये हमारे साथ में सिटी जमीयतुल्मा के उलमाए कराम हैं, इन्होंने सारी कोशिशें की हैं सिलसिले में कि ये तरबियती एक मरहूम के हक़ में गोया कि एक ताज़ियती नशिस्त रखी जाए जिसमें तमाम लोगों को कुल जमात तमाम लोगों को बुलाया जाए, उसकी फ़िक्रें भी हुई, और उसी के सिलसिले में यहाँ पर हम लोग जमा हुए। जज़ाकअल्लाह खैर।